नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग और वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक आपके एक्सेल शीट में शीट किस तरह से इंसर्ट होती है और आपको अगर डिलीट करना है शीट को तो किस तरह से डिलीट होगा, या फिर आपको शीट का नाम चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करोगे। ओके, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते रहिए नॉलेज टपरी। वेलकम दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं इंसर्ट शीट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नई वर्कबुक पे आपको ये दिखाता हूँ, तो मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ। कंट्रोल एन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, ये होती है आपकी शीट। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हो, तो हमें अभी यहाँ पर एक शीट है, हमें दूसरा शीट ऐड करना है। दूसरा शीट ऐड करने के कई अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक शीट का नाम, शीट पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये इंसर्ट के ऑप्शन को आप जैसे ही दबाते हो तो आपको ये ऑप्शन देगा, एक्सेल आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन करेगा, जो पॉपअप बॉक्स में आपको अलग अलग तरीके के शीट्स मिलेंगे। ये बाकी सारे शीट्स हम आगे जाके देखेंगे वो किस तरह से और कौन से टाइम पे यूज होते हैं। सबसे पहले हमेशा मैक्सिमम एक्सेल में काम करते वक्त 90% आपको वर्कशीट ही सिलेक्ट करनी होती है। तो वर्कशीट को मैं ओके करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर शीट टू नाम की एक शीट जनरेट हो गई। ओके दोस्तों, अभी ये शीट टू का मुझे कुछ नाम देना है, मुझे कुछ भी एक अलग नाम देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डाटा, और डाटा डाल के मैं इंटर कर देता हूँ। देखो, नाम देने के लिए मुझे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके मैं अपना नाम कुछ भी बदल सकता हूँ। तो अभी ये मेरा शीट वन है, शीट वन को मैं देता हूँ डाटा नाम, और शीट टू मेरा हो गया डाटा वन। अगर इसका नाम चेंज करने के लिए अलग एक तरीका है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आपको रीनेम का भी ऑप्शन मिलता है, रीनेम से भी आप अलग कुछ नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ डैशबोर्ड। ओके, तो अभी अलग मैं वापस यहाँ पर डबल क्लिक करके डाटा 01 कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे शीट्स के नाम आप बदल सकते हो। अब ये बनी बनाई डाटा 01 की जो शीट है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे अपने एक्सेल शीट से उड़ा देनी है। तो उड़ा देने के लिए इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप जाके आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपकी शीट यहाँ से निकल जाएगी। ओके दोस्तों, अभी हम देखते हैं एक शीट ऐड करते हैं। शीट ऐड करने के लिए दूसरा तरीका है, यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन रहता है, हमेशा आपके एक्सेल शीट में यहाँ पर एक प्लस का बटन रहता है, वो प्लस का बटन आप जैसे दबा देंगे तो आपके सामने अभी शीट 3 खुल गई, क्योंकि शीट 2 हम लोगों ने पहले बनाई थी वो हम लोगों ने डिलीट कर दी है। और एक बार दबा देता हूँ शीट 4 हो गई, और एक बार दबा देता हूँ शीट 5 हो गया, और एक बार दबा देता हूँ शीट 6 और शीट 7। हमारे पास अभी एक टोटल 8 शीट है। ओके नहीं, 6, हमारे 6 शीट्स हैं। तो 6 शीट्स में से मेरे डेटा को मुझे अभी लास्ट में लेके जाना है। तो इसमें एक तरीका ऐसा है, आप डेटा के शीट को पकड़ के सीधा लास्ट में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। ओके, अभी एक दूसरा तरीका क्या है, मैं वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे लेके आता हूँ। दूसरा एक तरीका है, डेटा शीट पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करो। मूव और कॉपी करके आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये पॉपअप बॉक्स में डेटा को आप मूव टू एंड करो और मूव टू एंड करके ओके करो, तो आपका डाटा शीट यहाँ पर एंड में जाके हो गया। अभी मुझे डाटा शीट को 5 और 6 के बीच में लेके आना है, तो मैं डाटा शीट पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी करूँगा, डाटा शीट को 5 और 6 के बीच में लेके आना, तो मैं 5 के इधर रखूँगा एंड ओके करूँगा, तो ये 5 के आगे आ गया। तो मैं अभी वापस मुझे अभी 5 पे रखता हूँ, मूव और कॉपी करता हूँ, 6 पे रखता हूँ और ओके करता हूँ, डाटा मूव और कॉपी 6 पे ओके, देखो 5 और 6 के बीच में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप डेटा के जो आपका वर्कशीट है वो वर्कशीट को मूव कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अभी हो गया हमारा, एक हमने देखा किस तरह से शीट इंसर्ट करते हैं, दूसरा शीट डिलीट किस तरह से करते हैं, और शीट का नाम किस तरह से चेंज करते हैं। दोस्तों अभी डाटा की शीट है, मुझे काम करते वक्त ये डाटा की शीट किसी को दिखानी नहीं है, मुझे छुपा के रखना है, तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर हाइड का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइड के ऑप्शन से आपका डाटा शीट देखो यहाँ से हाइड हो गया। ओके, तो दोस्तों अभी मुझे वापस वो डाटा शीट लेके आना है। चलो मैं अभी और ये शीट 2, शीट 3, शीट 4 और शीट 5 को भी हाइड कर देता हूँ,
तो आपको आप तीनों को एक साथ कर सकते हो। आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के शीट 3 को सिलेक्ट कीजिए, शीट 4 को सिलेक्ट कीजिए, शीट 5 को सिलेक्ट कीजिए, तीनों को आप सिलेक्ट करके शीट 6 भी आपका सिलेक्ट हो गया। ओके, तो चारों को आप सिलेक्ट करके हाइड कर दो, आपका पूरा हाइड हो गया। आपको अभी अनहाइड करना है, राइट क्लिक कीजिए, वापस अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, 3 को ओके करो, राइट क्लिक अनहाइड, 4 को ओके करो, राइट क्लिक अनहाइड, 5 को सिलेक्ट करके ओके करो, अनहाइड, शीट 6 को सिलेक्ट करके ओके करो, राइट क्लिक अनहाइड, डेटा को सिलेक्ट करके ओके करो। तो इस तरह से आप डाटा शीट्स को अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके डाटा शीट्स, जो आपके शीट्स है, वो शीट्स को आपको कोई स्पेसिफिक कलर से आइडेंटिफिकेशन देना है, तो अभी डाटा शीट पे जाता है, डाटा शीट पे राइट क्लिक करता है और टैब कलर का एक ऑप्शन मिलेगा। टैब कलर से आप कोई भी आपके वर्कशीट के जो आपका टैब है, वो टैब को आप कलर दे सकते हो। मैं यहाँ पर जाके येल्लो कलर देता हूँ। अभी मैं शीट 6 पर जैसे सिलेक्ट करूंगा, देखो आपका नोटिस हो जाएगा इमीडिएटली, आपका डाटा शीट एक अलग 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 कलर से दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप टैब को कलर भी दे सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको डाटा शीट रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन से, बेसिक ऑपरेशन से, बेसिक ऑपरेशन हम कवर कर चुके हैं। ओके दोस्तों, आगे के अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, आपको अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।